हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में फिर से स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यदि परमात्मा का नाम लिया जाए तो वो कार्य जरूर सफल होता है। तो शुरू करते हैं लेसन आज का, और आज का लेसन है फिल्म कर्मा से कर्मा ट्यून, कर्मा धुन। बहुत खूबसूरत अंदाज, और ज़्यादातर प्रोग्रामों के अंदर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, शमा बांधने के लिए शुरुआती में जो टोनें बजाई जाती हैं, जैसे नागिन लहरा, नागिन धुन और ये कर्मा टोन, इनका अगर मिक्सर किया जाए तो बहुत खूबसूरत अंदाज लगता है। तो आज वही धुन, वही टोन हम आपको हारमोनियम पर सिखाने वाले हैं। और ये टोन दोस्तों बैंजो के अंदर जब प्ले होती है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदरता या सुंदर भरा फीलिंग आता है। तो चलिए, तो दोस्तों स्वरों की हम बात करें तो याद कीजिएगा, थाट भैरवी ट्यूटोरियल चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है। तो थाट भैरवी के अंदर रे गा धा नी कोमल स्वर का प्रयोग होता है। मैं इस टोन को सी शार्प मध्य सप्तक पहली काली से बताऊंगा, और जो ये टोन है तार सप्तक के अंदर ज़्यादा खिलती है। और इस टोन की एक और जो खासियत बात है वो है बैंजो, बैंजो के अंदर ये टोन प्ले होती है तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा इसका जो अंदाज है ना वो आता है। तो हम पहले जो है समझाने के माध्यम से सी शार्प से करेंगे, उसके बाद जो है तार में जाएंगे, तार सप्तक में इंस्ट्रूमेंटल में करके दिखाएंगे। तो पहले हम इसका आरोह अवरोह देखते हैं थाट भैरवी का, और भी इसके अलावा इसमें जो स्वर प्रयोग हुए हैं वो भी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। देखिएगा, सा रे कोमल गा मा पा धा कोमल नी और ये सा, सा नी कोमल धा कोमल पा मा गा कोमल रे सा, थाट भैरवी का आरोह अवरोह। और इस टोन के अंदर कौन कौन से स्वर प्रयोग हुए हैं, ये स्वर तो होंगे ही, तो सा रे गा, गा शुद्ध यानी दोनों गा का प्रयोग होगा और दोनों नी का प्रयोग होगा। नीचे की तरफ लोअर में नी शुद्ध नी कोमल, और फिर यहां पर गा शुद्ध गा कोमल, दोनों गा का प्रयोग और दोनों नी का प्रयोग। तो चलिए अब पहले थोड़ा सा हम टोन को सुनते हैं, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली समझेंगे। देखिए, सा से शुरुआत हुई है टोन की, प्रकार की ये टोन है। तो अब हम इसको स्लोली स्लोली समझते हैं। जब टोन, ये बीच में टोन आती है, पहले गाना शुरुआत होता है मेरा कर्मा तू धर्मा तू, तो ये जो गाने का ट्यूटोरियल है जो आगे मैं लेसन दूंगा अगले लेसन में, इसका जो संपूर्ण जो गाना है गाने का ट्यूटोरियल दूंगा। आज हम टोन को सीखेंगे, उसके बाद शुरुआती से जो गाना है पूरा कंप्लीट गाना वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में देने वाला हूं। तो आप आज इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, तो शुरुआत हुई थी सा से, कैसे हुआ देखिए, सा नी सा धा, पहले सिंगल सिंगल स्वरों में करेंगे और उसके बाद फिर इस पर जो है कर्ण स्वर लगते हैं। कर्ण स्वर लगेंगे तभी इसका जो अंदाज है बहुत खूबसूरत लगता है। कर्ण स्वरों का प्रयोग इसमें होता है और किया जाना चाहिए। देखिएगा, मैं पहले स्लोली स्लोली सिंगल सिंगल स्वरों में बताऊंगा तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, सा नी सा, यहां पर नी शुद्ध का प्रयोग होगा, सा नी सा धा,
पहली जो लाइन है देखिए कैसे, पहली टोन की जो लाइन है कैसे, सा नी सा धा नी धा पा म गा, सा नी धा रे। यहां से जब हम इधर आए हैं तो नी कोमल का प्रयोग हुआ, सा नी धा रे म गा रे सा सा। देखिए सा नी धा रे म गा रे सा सा, तो क्या हुआ है, सा नी सा धा नी धा पा म गा, सा नी धा रे म गा रे सा सा। ये इसका पहली लाइन का पैटर्न है, देखिएगा फिर से एक बार, सा नी सा धा, सा नी सा से सीधे धा पर जंप करना है, यानी धा कोमल, सा नी सा धा, धा पर सीधे जंप करना है कोमल धा पर, देखिएगा सा नी सा धा नी धा पा म गा, नी कोमल है, नी धा पा म गा, गा कोमल, सा नी धा रे, सा नी धा रे म गा रे सा सा। तो ये हो गया, अब आगे फिर है क्या है, माँ से शुरुआत हुई तो कैसे, मा गा मा, मा गा मा पा धा नी धा पा, इस प्रकार का पैटर्न है, देखिएगा मा गा मा पा धा नी धा पा, ये जो लाइन है ये दो बार है, मा गा मा पा धा नी धा पा, मा गामा पा धनी धापा, ये दो बार है, देख मा गामा पा धनी धापा, मा गामा पा धनी धापा, पा पा धा पा मा, अगली लाइन पा पा धा पा मा, देखिए पा पा धा पा मा पा मा मा गा, इस प्रकार से है, पा पा धा पा मा पा मा गा रे मगा रे सा, देखिए पा पा धा पा मा पा मगा गा रे मगा रे सा रे मगा रे सा। तो क्या हुआ अगली लाइन में, मा गा मा, मा गा मा पा धा नी धा पा, मा गा मा पा धा नी धा पा, पा पा धा पा मा पा मा गा रे मा गा रे सा रे मा गा रे सा। फिर से वही चालू हो जाएगा, सा नी सा धा नी धा पा मा गा, सा नी धा रे मा गा रे सा सा, सा नी सा धा पा मा गा रे सा, ओ सॉरी नी धा पा मा गा, सा नी धा रे मा गा रे सा सा, मा गा मा पा धा नी धा पा, मा गा मा पा धा नी धा पा, पा पा धा पा मा पा मा गा रे मा गा रे सा रे मा गा रे सा। तो समझे होंगे दोस्तों, देखिए अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, देखिए कर्ण स्वर टच स्वर जो टच नोट है वो लगा कर दे,
फिर आगे गाना चालू हो जाता है, सीधे डायरेक्ट सा पर जाता है, तार सप्तक के सा पर। तो गाना है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। इस प्रकार से जो है आगे गाना शुरू हो जाता है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। इस प्रकार से है, वतन महबूब मेरे, तुझ पे जा कुर्बान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे जा कुर्बान है। फिर आगे और लाइन है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो आगे इस प्रकार का पैटर्न है, आप टोन को सीखें पहले। नेक्स्ट लेसन में मैं जरूर आपको जो है पूरा गाने का जो ट्यूटोरियल है वो देने वाला हूँ। देखिए इसको तार सप्तक में करते हैं तो बहुत अच्छा अंदाज आता है, तार में भी करते हैं इसको एक बार देखिएगा। दोस्तों तैयार करें इस टोन को, और कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा चैनल पर, जुड़े रहिएगा, और अगला लेसन आने तक जहाँ कहीं भी हो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी का आगे कर्मा जो सॉन्ग है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ कहीं भी हो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।